चलो अभी हम लोग जीरो यूज का स्पिन करते हैं, वाउचर हम लोग यूज हो रहा है देख लो, और उसका हम लोग ओके करते देखते क्या मिलता है। ज्यादा चांसेस से कॉइन ही मिलने वाला है भाई, फ्री में तो आज तक मुझे इसमें नहीं। ओ भाई, हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो गाइस, फाइनली 3.4 वर्जन का आखिरी लकी स्पिन गेम के अंदर आ चुका है, जो कि आप देख पा रहे हो आपके स्क्रीन में। और इसमें अच्छा बात है कि इसमें अपग्रेडेबल आइटम है, जिसका मतलब ये है कि इसमें चांसेस बन सकता है कि आपको एक मेन मटेरियल मिल जाए। ठीक है, तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जब मटेरियल वाला स्पिन आएगा लकी स्पिन, तभी जाके आप वो जो जीरो यूसी वाला वाउचर है ना उसको यूज कीजिएगा। इन केस अगर उसको सब मिल गया तो भाई आपका लक ओपी हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग खुद एक लकी स्पिन का वाउचर यूज करेंगे, जीरो यूसी में इसको स्पिन करेंगे और देखते हैं भाई इसमें कुछ मिलता भी है कि नहीं। ये थोड़ा बहुत एनिमे वाला ही बोल सकते थीम का ये स्पिन होने वाला, तो वो भी हम लोग चेकआउट कर लेंगे। उसके साथ साथ पता है कल हम लोग का बीजेएमआई के अंदर जो पैच नोट आया था 3.5 अपडेट में, उसमें काफी सारी चीजों के बारे में बात किया गया। बट आज के वीडियो में कुछ चीजों को मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करने वाला हूँ, सो दैट आपको डाउट ना हो। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक देखना, काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपको काफी सारे इन्फॉर्मेशन मिलने वाला। ठीक है, सबसे पहले आप देख पा रहे इवेंट का टाइम पीरियड आपको दिखाई दे रहा है, 18 नवंबर से लेकर 13 दिसंबर तक ये इवेंट चलने वाला है। लगभग 3 वीक का ये इवेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो चलो इसमें हम लोग स्पिन करते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग को वाउचर क्लेम करना पड़ेगा, तो मैं अपना अचीवमेंट वाला वाउचर इसमें यूज करूंगा क्योंकि इसमें मटेरियल अवेलेबल है। ठीक है, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे तो आप देख पर इसमें हम लोग क्लेम करते। मैं इतना दिन से बचा के रख रहा था क्योंकि मैं वेट कर रहा था कोई अपग्रेडेबल वेपन का अगर आता तो उसमें ट्राई करूंगा। इनकेस अगर मिल गया तो अच्छा, नहीं तो भाई मेरा लक जैसा है मैं उम्मीद भी ज्यादा नहीं करता हूँ। ठीक है, इधर आप देखो जीरो यूसी का स्क्रीन हम लोग को स्क्रीन में देखने को मिल जा रहा, तो अगर कुछ है तो आप इसको यूज कर सकते हो, नहीं तो बचा सकते हो, जब चाहे तब इसको यूज कर सकते हो, आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड है। ठीक है, तो चलो 10 यूसी का पहला स्पिन करते हैं। उम्मीद तो नहीं है कुछ मिलेगा, बट फिर भी ट्राई करने में क्या हर्ज है, तो लेट्स गो। इधर आप देखो हम लोग कॉइन मिल चुका, तो चलो अभी हम लोग जीरो यूसी का स्पिन करते हैं। वाउचर हम लोग यूज हो रहा है देख लो, और उसका हम लोग ओके करते देखते क्या मिलता है। ज्यादा चांसेस से कॉइन ही मिलने वाला है भाई, फ्री में तो आज तक मुझे इसमें नहीं। ओ भाई भाई, क्या हो गया? ओ भाई, भाई मैं अभी भी शॉक में हूं भाई, ये क्या हो गया? क्रोकोडाइल पेन हम लोग को मिल चुका है लेवल 1, और इतना ही नहीं हम लोग को एक मेन मटेरियल मिल गया। ओ भाई, इससे लकीएस्ट क्रेट क्या हो सकता है? ओ भाई, अभी भी मैं सदमा हूँ भाई। आप लोग कमेंट करो कि कैसा ये ओपनिंग था, रेटिंग करो भाई। ये अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि पहले तो हम लोग को अपग्रेडेबल आइटम मिल गया, उसके बाद हम लोग को मेन मटेरियल मिल गया। ठीक है, तो मतलब क्या बोलूं, अभी जीरो यूसी में हम लोग काम बन जा रहा, तो अब मैं इधर ही ये स्पिन को छोड़ सकता, बट एक बार हम लोग 360 यूसी का एक और स्पिन करेंगे और देखते हैं इस बार क्या मिलता है। वैसे जीरो यूसी में हम लोग सब कुछ मिल चुका है, बट लेट्स सी देखते क्या होता है। इसमें उम्मीद नहीं है, बट हम लोग को जो मिल चुका है पहले ही अटेम्प्ट में वो अनएक्सपेक्टेड था, और वो भाई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है कि जीरो यूसी में हम लोग को वो चीज़ मिला है। ठीक है, तो चलो इसमें कॉइन मिल रहा है, कॉइन मिलना भी कोई खराब नहीं है, फ्यूचर में हम लोग इसका काम आएगा। तो ये जो स्पिन है सेकेंड वाला यूसी वाला उतना अच्छा नहीं था, बट हम लोग का जो फ्री वाला स्क्रीन था वो नेक्स्ट लेवल था। ठीक है, तो फाइनली हम लोग कॉइन्स मिल चुका है, और ये हम लोग को 2 डायमंड पॉपुलरिटी मिल चुका है। चलो काफ़ी अच्छा बात है, और हम लोग स्पिन नहीं करेंगे और वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग को मिल चुका है भाई, तो हम लोग के पास एक और अपग्रेडेबल गन मतलब वेपन आ चुका है विदाउट एक्सपेक्टिंग कि वेपन मिलेगा। और उसके साथ साथ वही स्पिन में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई हम लोग को मेन मटेरियल भी मिलने वाला है। ठीक है, 2 अपग्रेडेबल हो गया, किसी को भी अपग्रेड किया नहीं हो, बट ये अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, इसको रखते हैं अभी। सेकंड जो चीज़ में काफ़ी लोगों का डाउट था वो ब्लैक फ्राइडे सेल के बारे में। तो एक्चुअली ब्लैक फ्राइडे सेल है ना, ये काफ़ी पुराना चीज़ है, हर एक बोल सकते साल नवंबर मंथ में देखने को मिलता, बट पबजी मल का ना देखने को मिलता है। बीजा में का तो काफ़ी पहले एक बार आया था, वो भी ग्लीची वाला आया था, काफ़ी लोगों को उसका फायदा नहीं मिला था। ठीक है, कुछ एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। 2020 में ये लोग ये वाला बोल सकते इवेंट को लॉन्च किया था साइबर वीक के नाम पे, कभी कभी ये लोग साइबर वीक का नाम दे देते हैं, कभी कभी ब्लैक फ्राइडे, मतलब उसी तरीके का इवेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें सिंपल सा क्या है कि काफ़ी सारे इवेंट ये लोग प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद उसमें सब में मिशन कंप्लीट करके थोड़ा थोड़ा, तो नीचे आपको जो बार दिखाई दे ना पॉइंट वाला वो आपको मिलते जाएगा। लास्ट में जो आपको यूसी आपने लगाया उसका कुछ परसेंटेज या ऑलमोस्ट 90% जो यूसी है वो वापस हो जाता है, ऐसे किस्म का कुछ इसमें वर्क करता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आप देख लीजिए 2020 वाला वेरियंट में, डिटेल में उतना नहीं दिखा रहा क्योंकि कौन सा वाला आएगा वही मुझे भी नहीं पता ना, तो इसलिए मैं को थोड़ा सा आपको आइडिया दे दे रहा कि इस तरह का सेल होता है। जैसे 2021 वाला देख रहा, 2021 वाला बीजेएमआई के अंदर भी आया था जब फर्स्ट टाइम बीजेएमआई लॉन्च हुआ था, बट ये ग्लिची वाला आया था, ये आउटफिट हम लोग को इनडायरेक्टली फ्री मिल रहा था। सबसे पहले तो आप देख पा रहे इसमें कैसे वर्क करता है, सबसे पहले ये आउटफिट आपको खरीदना पड़ेगा। ठीक है, यूसी से
और उसके बाद आपको मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा। पहले आपको यूसी लगा कि आउटफिट खरीदना ही पड़ेगा या कोई भी सामान जो बोला जा रहा है जिसको वो लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं। ये इस इवेंट में थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा, जब लिखा हुआ परचेज एंड अनलॉक यूसी रिवर्ट टू गेट बैक अप टू ऑल योर यूसी, मतलब जो आप लगा रहे हो परचेस कर रहे हो वो यूसी वापस मिल जाएगा, पहले आपको खरीदना पड़ेगा। लाइक थोड़ा सा प्राइस पैक जैसा ही है, बट प्राइस पैक में आपको यूसी वापस नहीं मिलता। इसमें आपको जो सामान के लिए पैसा लगा रहे हो यूसी लगा रहे हो वो सामान भी आपको मिल जाएगा, और मिशन उशन कम्प्लीट करोगे ना तो वो जो यूसी है ना वो वापस भी मिल जाएगा। इस तरह के वर्क करने वाला। वैसे ये पैच नोट में लोग आउटफिट का बात नहीं किया, वेपन्स का बात किया, कौन सा वेपन आने वाला वो तो टाइम आने से पता चलेगा। ये 2021 वाला मैं आपको दिखा दिया। इधर आप देखो यूसी रिबर्ड वाला ऑप्शन में जाओगे ना तो जितना भी यूसी हम लोग 480 यूसी लगाए थे ना ये वापस हम लोग 480 यूसी वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए काइंड ऑफ फ्री इवेंट ही बोल सकते हो, बट यूसी तो चाहिए होगा आपको एंटर लेने के लिए उस तरह का। फिर 2022 का देख लो थोड़ा सा, 2022 का भी ऐसे ही कुछ था, इसमें भी कुछ कुछ आउटफिट आपको देखने को मिल रहा। और इसके साइड बाय साइड काफी सारा और भी इवेंट आता है। अगर आप UMP AKM के स्पिन उसमें करने वाला ना तो ये वाउचर आपको काफी हेल्प करेगा और ये डिस्काउंटेड रेट में आपको मिल जाएगा। ये 2022 का था, अब आपको दिखा दो सब में एक तरह का ये वर्क करता है, इसलिए आपको काइंड ऑफ आइडिया हो गया कैसे ये वर्क करेगा। और ये देखो 2023 का भी देख लो, 2023 का भी ऐसे ही यूसी रिवर्ट होता है। जैसे ये अब 2023 वाला काफी महंगा दिया था, देखो 1120 यूसी में ये रिवर्ट करने के लिए बोला था तो ये महंगा था। हालांकि ये 1120 यूसी मिल जाएगा, बट 1120 यूसी अकाउंट में डालना पड़ेगा ना, वो भाई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आई होप होगा ब्लैक फ्राइडे से रिलेटेड सब कुछ डाउट क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग यूसी इवेंट का बात करते हैं। तो इस बार जो पैच नोट में लोग यूसी इवेंट का बात किए है ना, इसमें ये लोग बोले हैं यूसी बोनस चैलेंज आने वाला है, उसके साथ साथ हम लोग को यूसी का भी कुछ पैक्स देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप देख पा रहे हो एडप्टाइड पैक डिस्काउंट, ये एक नया चीज आने वाला है जिसके बारे में थोड़ा सा मैंने कल का वीडियो में बता दिया था। इसमें आप एक्चुअली आपके अकाउंट में ना जितना कम यूसी होगा ना उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, उतना ज्यादा आपको डिस्काउंटेड रेट में सामान मिलेगा। ठीक है, इनकेस आप दिमाग में आप सोच रहे होंगे कि भाई मेरा तो यूसी काफी ज्यादा रहता है मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए भी ट्रिक है भाई। एक्टिविटी पैक को यूज करेंगे, डोंट वरी, एक्टिविटी पैक को हम लोग यूज करके हम लोग अपने यूसी को कम करेंगे। जैसे हम लोग यूसी पैक परचेस करेंगे तो तुरंत से फिर यूसी निकाल लेंगे। ठीक है, डोंट वरी भाई, सब चीज का ट्रिक आता है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो सो डेट आप कोई भी ट्रिक मिस ना करो। ठीक है, और ये एक पैक के बारे में बात किया, उसके साथ साथ हम लोग को यूसी बोनस इवेंट भी मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलेगा, क्योंकि ये यूसी इवेंट को एक्सप्लेन करने के टाइम ये लोग बोले थे दो टाइप का यूसी इवेंट आने वाला है, और केवल वीडियो में एक ही टाइप एक्सप्लेन किया। दूसरा वाला मोस्ट प्रोबेबली जो यूसी बोनस हम लोग को नॉर्मल आता है ना वही देखने को मिलेगा। तो ये लोग कुछ न्यू कॉन्सेप्ट लाना चाहते हैं यूसी वाला, तो पुराना वाला कॉन्सेप्ट तो मोस्ट प्रोबेबली तो रहेगा ही, उसके साथ साथ जो दो बार आता है ना उसके जगह एक बार ये आपको देखने को मिलेगा और दूसरा बार में वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग और भी डिटेल में बात करेंगे, और डोंट वरी इसका भी मैं आपको ट्रिक दूंगा, इसमें भी आपको फायदा करा के दूंगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें था जो कि मैं आपको बता दिया। अभी हम लोग बात करते हैं, आपको पता जब भी हम लोग का न्यू अपडेट आने वाला रहता है तो जो हम लोग का शेड्यूल टाइम दिया गया 21st को हम लोग का अपडेट आने वाला है, तो उससे पहले हम लोग का BGMI का सर्वे आता है करंट सीजन से रिलेटेड। तो ये देखो सर्वे हम लोग का आ चुका है, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। क्विकली मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको काम देने वाला है। ठीक है, तो अभी आप देख पा रहे हैं कुछ कोलैबोरेशन या स्किल मोड के बारे में पूछ रहे हैं आप लोग से, मतलब किस तरह का आपको एबिलिटी यूज करना उसके बारे में लोग पूछ रहे हैं। हालांकि विजय वाले की सर्वे लेना मुझे नहीं पता, मोड तो भाई पबजी देने वाले, बट फिर भी ये लोग पूछे किस तरह का आपको कैरेक्टर चाहिए। तो आपको अगर पसंद है गोकू वाला नरूटो वाला चीज़ें चाहिए तो आप एनिमे कर लेना। मुझे पता है काफ़ी लोग नरूटो करते रहते, तो डेफिनेटली इसमें सेलेक्ट कर देना अगर आपको नरूटो का कोलैबोरेशन चाहिए फ्यूचर में। और अगर आपको आयरन मैन सुपरमैन बैटमैन का चाहिए तो ये कर सकते हो, और बाहुबली का चाहिए तो भाई ये कर सकते हो। ठीक है, तो जो आपको सही लगे वो आप कर देना और उसके बाद नेक्स्ट क्लिक कर देना। ठीक है, हाउ सेटिस्फाई आर यू विद द स्मूथनेस ऑफ अ गेम परफॉर्मिंग बैटल ग्राउंड ओवर इंडिया, अनप्लेएबल कर देते हो। हैकर तो भाई इतना कर देता हूँ मैं, सो नेक्स्ट करते हैं, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। दीपिका पादुकोण के कोलैबोरेशन के बारे में पूछा गया, तो कोलैबोरेशन का इवेंट तो अच्छा था, उस पर रिवॉर्ड हम लोग क्रिएट में कुछ खास नहीं मिला, इसलिए 4 रेटिंग में दूंगा। इसके बाद आप देख पा रहे वेनम, वेनम का तो कोलैबोरेशन जबरदस्त था, बट इस लोग का इवेंट नहीं दिया, वेनम वाला का इवेंट ना ये लोग मार दिए भाई, इसलिए हम लोग इसको 3 रेटिंग देंगे। अब देखो बड़े बड़े एक्टर लोग के साथ कोलैबोरेशन का डिमांड कर रहे हैं, शाहरुख खान के साथ भी ये लोग कोलैबोरेशन खेलने के लिए रेडी है। जो भी आपको कैरेक्टर पसंद है उनके साथ आप सेलेक्ट कर सकते हो, मैं तो यस KGF वाला मुझे पसंद है तो उसको मैं सिलेक्ट कर लिया, आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, और उसके बाद आप देख पा रहे हो ये, आप देख पा हाउ इंटरेस्टिंग यू टू परचेज द BGMI ब्रांडेड प्रोडक्ट सच एज ईयरफोन, मतलब ये आप लोग प्रोडक्ट भी बेचेगा, मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ भाई। 3 करते, ये सर्वे हम लोग का फिनिश हो चुका है, उतना खास सर्वे नहीं था भाई, मेनली मैं नोटिस किया कोलैबोरेशन का, थोड़ा बहुत मोड का ग्लिच का पूछा, उतना खास कुछ इंटरेस्टिंग ये सर्वे नहीं था। ठीक है, आप देखना अपने हिसाब से भर लेना और आपको मिल जाएगा सप्लाई कूपन टाइम लिमिटेड वाला 30 दिन के लिए, और उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो ये वीडियो का हम लोग इतना ही रखते हैं।
काफी अच्छा वीडियो था ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग को जीरो इसमें मिला है भाई। चलो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।